दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। देखो इस प्रदेश का नाम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश क्यों कैसे पड़ा, या इसे हम सामान्य रूप से पढ़ते हैं तो हाड़ौती का प्रदेश या हाड़ौती पर पठारी प्रदेश, हाड़ौती हाड़ौती पठारी प्रदेश के नाम से जानते हैं। क्यों ऐसा, क्यों इसका नाम यही क्यों रखा गया है, क्यों इसका नाम मालवा नहीं रख सकते थे क्या? तो देखो एक बार मैं मैप के थ्रू आपको दिखा देना चाहता हूँ कि राजस्थान में मालवा, आप जानते हैं जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक क्षेत्र आता है मालवा का, किसका, मालवा का जो क्षेत्र आता है उसमें देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने इसीलिए आपको सीमाएँ पढ़ाई थी, आपको पहले क्या पढ़ाई थी, राजस्थान की सीमाएँ पढ़ाई थी, और यहाँ पर धौलपुर से करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ होते हुए राजस्थान के साथ जो सीमाएं लग रही थी उस राज्य का नाम था मध्य प्रदेश। क्या नाम था उसका? मध्य प्रदेश। इस मध्य प्रदेश को प्राचीन समय में मालवा के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? मालवा के नाम से जानते थे। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि सर आपने ये कहा था कि मैं ये बताऊँगा कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश इसका नाम क्यों है, क्या है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश नाम क्यों है? बात कर रहे हैं, थोड़ी सी विजिबिलिटी में शायद प्रॉब्लम थी। तो देखो राजस्थान की एमपी के साथ में, मध्य प्रदेश के साथ में सर्वाधिक लंबी सीमा, ऐसा जैसा कि हम पहले लेक्चर में बात भी कर चुके थे। तो राजस्थान की, ये रहा हमारा राजस्थान, राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ में, किसके साथ में, राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ में जो सीमा लगती है वो थी आपकी 1600 किलोमीटर की। कितने? 1600 किलोमीटर की, जो कि सर्वाधिक थी। मैंने आपको बताया भी है सर्वाधिक थी। ठीक है, सभी को नमस्कार है, गुड मॉर्निंग है, बिल्कुल चलते हैं। तो मध्य प्रदेश को प्राचीन समय में किसके नाम से जाना जाता था? तो आपको आंसर रहेगा कि सर मालवा के नाम से जाना जाता। किसके नाम से? मालवा के नाम से जाना जाता था। और इस मालवा प्रदेश में क्या किया गया कि जब हम राजस्थान को पढ़ते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम राजस्थान को पढ़ते हैं तो पहला ये वाला प्रदेश पढ़ा था हमने, पश्चिमी रेतीला प्रदेश। कौन सा प्रदेश? पश्चिमी रेतीला प्रदेश। इसके बाद में यहाँ पर पढ़ा था अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा? अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद में हमने ये सारा एरिया किसके अंदर कवर कर लिया था? पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर कवर किया था। और जो बचा कुचा एरिया है जिसे आज हम बात करने वाले हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की, या जिसे हम बात करेंगे हाड़ौती प्रदेश के बारे में। ठीक है, बात करते हैं कि सर इसका नाम हाड़ौती प्रदेश या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश क्यों रखा गया। पहला प्रश्न आपका यही होता है कि सर नामकरण कैसे करना है इसका, क्या कि नामकरण कैसे करना है। तो नामकरण सुनना, यदि मैं आप यहाँ पर डायरेक्शन बना देता हूँ, कोई दिशाएं बना देता हूँ, आपको आपने रीजनिंग में एक टॉपिक पढ़ा होगा दिशा परीक्षण। क्या पढ़ा होगा? दिशा परीक्षण एक टॉपिक पढ़ा होगा। दिशा परीक्षण में क्या बताते हैं कि उत्तर दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा कौन सी है और दक्षिण दिशा कौन सी है। इसके बिहार पर देखो यहाँ पर जो दिशा होती है उसका नाम होता है पूर्व दिशा। कौन सी दिशा? पूर्व दिशा। यहाँ पर जो दिशा होती है उसका नाम है पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। ये सारी चीज़ें आपको पता है, बस मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि इसका नाम किस तरह से पड़ा है। और ये दिशा कौन सी आ गई? दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा आ गई? दक्षिण दिशा आ गई। अब इन दिशाओं में यदि इसके बीच में जो लाइनिंग हैं, कौन कौन सी, देखो मैं बताता हूँ, इसके बीच की जो दिशाएं, ये तो मुख्य दिशाएं कहलाती हैं, ये मुख्य दिशाएं कहलाती हैं, लेकिन इसके बीच में जो दिशाएं हैं, ये रही दो दिशाएं, ये रही और दो ये रही। इन दिशाओं को हम कहते हैं गौण दिशाएं। कैसी दिशाएं? गौण दिशाएं, मतलब मुख्य नहीं होती हैं। मुख्य नहीं होती हैं तो ये दिशा होती क्या क्या है सुनना। इस दिशाओं में अब बात करूँगा मैं, देखो मुख्य दिशा कौन कौन सी, ये बात ध्यान रखना, हमेशा दक्षिण दिशा मुख्य दिशा होती है और उत्तर दिशा मुख्य दिशा होती है। उत्तर के राइट साइड में जाओगे तो उत्तर के राइट साइड में देखने को मिलेगी पूर्व, तो इस क्षेत्र का नाम बन जाता है उत्तर पूर्व क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? उत्तर पूर्व क्षेत्र, सही बात है। इसी तरह से उत्तर के यदि पश्चिम में जाओगे तो इस दिशा का नाम बन जाएगा उत्तर पश्चिम। क्या बन जाएगा? उत्तर पश्चिम। जिस तरह से ये बने हैं उत्तर के रेस्पेक्ट में, उसी तरह से ये बनने वाले हैं हमारे दक्षिण के रेस्पेक्ट में। दक्षिण मुख्य दिशा है, दक्षिण से इधर जाओगे तो आपकी बनेगी दिशा दक्षिण पूर्व। क्या बनेगी? दक्षिण पूर्व दिशा।
और जिस तरह से यहाँ गए तो दक्षिण के पश्चिम में जाओगे तो दिशा बन जाएगी दक्षिण पश्चिम। कौन सी? दक्षिण पश्चिम। हम जिस भूभाग की बात कर रहे हैं, उस भूभाग को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाऊंगा। हम इस भूभाग की बात कर रहे हैं, जो कि मैंने रेड कलर से आपको प्रदर्शित किया है, दिख रहा होगा आपको। यदि आप सभी को क्लियर हो रहा है, हाँ ये कि विजिबिलिटी क्लियर है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस कहें, यहाँ सर विजिबिलिटी क्लियर है। ठीक है, विजिबिलिटी क्लियर है क्या? सभी लोग देखें तो पूरा एरिया कौन सा है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का। अब आप कहोगे कि सर इसमें ये दक्षिण पूर्व नाम क्यों है, इसका नाम के बारे में ही मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो देखो ये दिशा कौन सी है? दक्षिण। ये दिशा कौन सी है? दक्षिण पूर्व। और इन दोनों के बीच की दिशा का ना क्या नाम लिखा मैंने? दक्षिण पूर्व। क्या लिखा है? दक्षिण पूर्व इस दिशा का नाम लिखा मैंने। और दक्षिण पूर्व में, स्थित होने की वजह से, दक्षिण पूर्व में एक निश्चित भूभाग, दक्षिण पूर्व दिशा में एक भूभाग है जो कि एक निश्चित एरिया घेरे हुए है, एक विशेष एरिया को कवर किए हुए है। तो दक्षिण पश्चिम में या सॉरी दक्षिण पूर्व में स्थित होने की वजह से इसे दक्षिणी और पूर्वी के नाम से जानते हैं, दक्षिणी पूर्वी के नाम से जानते हैं। लेकिन अभी तो बीच में एक वर्ड रह रहा है, क्या? पठार। आपने देखा होगा कि कुछ कुछ मैदान होते हैं, कुछ कुछ पठार होते हैं, कुछ कुछ पहाड़ियाँ होती हैं, कुछ कुछ पहाड़ होते हैं और कुछ कुछ पर्वत होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं। ये धरातलीय संरचना है। क्या है ये? धरातलीय संरचना है। 0 से 300 मीटर तक मरुस्थल होता है, 300 से 600, 600 से 1800, 1800 से 2700, इस तरह हाइट के बिहाब पर, हमने पर्वत, पठार, पहाड़ी, पर्वतों को क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया। मैं बात करूं पठार की कि सर हमारा टॉपिक तो पठार है, पठार कैसे समझोगे? सुनना, यदि इस पर्वत को, यदि मैं इस तरह से साफ कर दूं, देखो इस पर्वत को साफ कर दिया गया। हाँ सर, आपने सारे साफ कर दिया। अरे भाई, हाँ भाई, साफ इसलिए कर दिया है कि यदि ये पर्वत की मैं बात करूँ, ये कोई पर्वत है, क्या है ये? पर्वत है। यदि इस पर्वत का ऊपरी हिस्सा मैं साफ उड़ा देता हूँ, ये देखो उड़ा दिया और ऊपर से लगभग मैं समतल आपको जमीन मिलने लग जाएगी। तो ध्यान रखना, पृथ्वी से उठा हुआ वह भूभाग जो ऊपर से कैसा हो? समतल हो। लगभग कैसा हो? समतल हो। उसे हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? पठार। जैसे कि ये समझना, यदि मैं बात करूं, ये इस तरह का आपको दिख रहा होगा, ये मेरा हाथ है, तो ये एक पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पर्वत का उदाहरण है। यदि थोड़ा सा हाथ पे गौर करना, जूम करना इसको, देखो यदि इसको ऊपर से इस नुकीली चोटी को मैं लगभग समतल कर दूं, तो पर्वत तो वही था, लेकिन ऊपर से कैसा हो गया है? लगभग क्या हो गया है? समतल हो गया है। तो ये क्या कहलाएगा? पठार कहलाएगा। ये पर्वत, ये पठार, और बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे तो मरुस्थल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मरुस्थल। ध्यान रखना, कभी भी चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। हम पढ़ाई को अपनी डेली लाइफ से जो बातें होती हैं, डेली लाइफ के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, उनसे कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो पढ़ाई हमें ज़्यादा दुख नहीं देगी। लोगों का मानना ये होता है कि जैसे हम किताब लेके बैठेंगे तो नींद आ जाएगी। क्यों आती है? क्योंकि हम उसको पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। क्यों ना हम उसको ऐसे पढ़ें कि ये सर पर्वत हो गया, ये सर पठार हो गया, और ये सर मरुस्थल हो गए, और इस तरह की तीन तरह की टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ भी कर रहे हैं आपके सामने। ठीक है ना? तो पर्वत क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं, आपकी बात मन में बातें क्लियर हो चुकी होगी। तो दक्षिणी पूर्व में, दक्षिण पूर्व में स्थित होने की वजह से, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग है, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी का स्वागत है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो हम बात कर रहे हैं दक्षिणी पूर्वी की। दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित होने की वजह से कैसा? पठार। इस पठार को क्या कहते हैं? पठारी कहेंगे। और क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित पठार है और एक निश्चित भूभाग है, तो इसका क्या नाम बन गया? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। क्या बन गया? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। राजस्थान के दक्षिण पूर्व दिशा में एक निश्चित पठार है, एक निश्चित भूभाग है, जिसे हम क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और इसी के बिहाब पर राजस्थान के भौगोलिक विभाजन में, आज हम चौथा भौगोलिक विभाजन पढ़ रहे हैं, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और आपको जितना पता होगा कि जब भी हम चर्चा करते हैं, जब आप भी चर्चा करते हो, तो इसको सामूहिक रूप से हम हाड़ौती का पठार के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? हाड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं। अब आप कहोगे कि सर आपने
पश्चिम में जो पड़ा था पश्चिमी रेतीला प्रदेश, वहाँ पर रेत पड़ाई थी, बीच में पड़ाई थी अरावली, तो वहाँ पर अरावली पड़ाई थी, इसके बाद में कहा था अरावली में पत्थर पाए जाते हैं, और इसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश या कृषि प्रदेश में फिर आपने बताया था कि हल्का हल्का रेत पाया जाता है, और अब आप बता रहे हो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, तो पठार का रीज़न क्या रहा है, ये जो पठार बने हैं उसका कारण क्या है? तो ध्यान रखना कि जब भी सपोज ये मान लो धरातल है, इसके नीचे धरातल के नीचे हमेशा लावा होता है, मैग्मा होता है, क्या होता है? मैग्मा होता है, मतलब आप एक तरह से ऐसे समझते हो ये धरातल है, इसके अंदर मैग्मा है, जैसे मैं इसको एक बार साफ कर दूं, तो धरातल के नीचे 7 प्लेटें होती हैं और 7 प्लेटों के नीचे मैग्मा होता है, क्या होता है? मैग्मा होता है। तो ये जो प्लेटें एक दूसरे की ओर टकराती हैं, ये जो प्लेटें होती हैं, 7 प्लेटें होती हैं भूगर्भ के अंदर, 7 प्लेटें होती हैं, ये प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में कभी पढ़ाने का मौका मिला तो मैं आपको इसके बारे में चर्चा करूँगा कि भूगर्भ के अंदर 7 ऐसी प्लेटें हैं जो एक दूसरे की ओर या तो ऐसे गति करती हैं या ऐसे गति करती हैं या ऐसे गति करती हैं, यदि पास में आएंगी तो आकर्षण होगा, दूर जाएंगी तो प्रतिकर्षण होगा, और ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होगा उसमें ऊपर नीचे गति होगी, जिसे ऊर्ध्वाधर और क्षितिज गति के नाम से जानते हैं। यदि ये दो प्लेटें इस तरह से एक दूसरे की तरफ आती हैं तो इसके बीच में जो भी मलबा होगा, जो भी लावा होगा, जो भी मैग्मा होगा, सतह के ऊपर आ जाएगा। यदि यहाँ पर जो छेद है, जो छेद छोटा होगा, जिस तरह से आपने पिचकारी देखी होगी, एक पिचकारी होती है वो आगे से ऐसी ही क्यों होती है, ऐसी क्यों नहीं होती भाई पिचकारी, आपने देखा क्या? नहीं, जब होली खेलते हैं तो पिचकारी ऐसी नहीं होती है सर, ऐसी पिचकारी होती है। रीज़न है कि जैसे ही यहाँ से जैसे प्रेशर किया जाएगा तो इसमें जो इसको मुँह जो होता है इसको हम नोज़ल कहते हैं, क्या बोलते हैं? नोज़ल। जितना छोटा होगा उतनी दूर तक क्या जाएगी, पानी जाएगा, उतनी दूर तक इसके क्या जाएंगे, रंग जाएंगे। उसी तरह से यदि ये जो छेद है, यदि ये छेद छोटा होगा तो यहाँ पर जो मैग्मा भरा हुआ है, यहाँ पर जो लावा भरा हुआ है, वो तेजी से ये दोनों प्लेटें जैसे पास में आएंगी तो तेजी से ऐसे जाएगा, और जब तेजी से ऐसे जाएगा तो यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा? पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। यदि यही जगह ज़्यादा खुली होती तो प्रेशर तो वही होता, लेकिन निकल के लावा कहाँ गिरता? इस तरह से गिर जाता। तो इतने ऊंचे ऊंचे पठार और पहाड़ों का निर्माण नहीं होता। देखो, पहले वाली स्थिति को देखो और दूसरे वाली स्थिति को देखो, तो आपको दिख रही है कौन सी स्थिति ज़्यादा ऊंची है, तो पर्वत ज़्यादा ऊंचे हो जाएंगे। तो पर्वत का बनने का कारण भी क्या है? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, जो कि कभी मौका मिलेगा तो हम उसको भी चर्चा में लेंगे। तो ध्यान रखना, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के नीचे था क्या? पृथ्वी एरी, पृथ्वी के नीचे लावा है। क्या है? लावा है। लावा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैग्मा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, शायद हो सकता है। हाँ बताएं, आपको समझ में आ रहा है क्या मैग्मा के बारे में, लावा के बारे में? ठीक है, सुनो, जैसे कि ये लावा है, लावा मत समझो, एक काम समझो, जैसे कि आप प्लास्टिक जलाते हैं तो प्लास्टिक कैसा हो जाता है? एकदम मेल्ट हो जाता है, प्लास्टिक मेल्ट हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं जब वो ठंडा हो जाता है तो उस पर एक हार्ड सर्फेस जमा हो जाती है, यहाँ पर हार्ड सर्फेस हो जाती है, मतलब ये कैसा हो जाता है? ठोस हो जाता है। अब इस ठोस के ऊपर आप नदी, नाला, तालाब, कुएं, ये खोदना पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। इसीलिए दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर सर्वाधिक आपके क्या मिलेंगे? छोटे छोटे तालाब मिलेंगे। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर हैंडपम्प लगाना, मतलब नलकूप पॉसिबल ही नहीं सर, खोद ही नहीं सकते। यहाँ पर तो हार्ड रॉक्स मिलेगी, हार्ड रॉक्स मतलब पथरीली चट्टानें मिलेगी, और पथरीली चट्टानों पर हम नल नहीं लगा सकते। छोटी मोटी तालाबें जरूर खोद सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी तालाबें नहीं खोद सकते, कुएं नलकूप नहीं खोद सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी राजस्थान में कुएं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है, लगभग 67% के समथिंग। और नहरी क्षेत्र हम कहते हैं राजस्थान का पूर्वी इलाका जो होता है, जो नहरी क्षेत्र है समथिंग, वहाँ पर 28% या 30% के समथिंग वहाँ पर क्या होती है? सिंचाई होती है। और जबकि ये वाला जो एरिया पूरा दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश वाला एरिया, यहाँ पर जो झीलें होती हैं, यहाँ पर छोटे छोटे तालाब पाए जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सर्वाधिक तालाबों वाला जिला कौन सा है? तो आपका आंसर आएगा भीलवाड़ा। क्या आएगा? भीलवाड़ा। तो इस प्रदेश में क्या कारण है कि हम कुएं नहीं खोद सकते? तो आपको समझ में आ गया होगा, पठार है यहाँ पर, और किसी भी पहाड़ को या पठार को खोदना इतना आसान नहीं होता जितना एक साधारण जमीन को, एक मरुस्थल को खोदना आसान होता है। तो यहाँ पर आसानी से ये सारी चीज़ें नहीं बनती हैं। अब एक बात और ध्यान रखना, यदि मैं और बात करूँ इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की, किसकी? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मैं बात करूँ तो यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, देखो यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर करवाने वाला हूँ, और वो कॉन्सेप्ट किस प्रकार हैं वो देखना। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण किससे हुआ है? तो अभी सर आपने ही तो कहा था कि लावा से हुआ है। किससे हुआ है? लावा से हुआ है। लावा बोल दो या मैग्मा से बोल दो, ठीक है। अब ये क्या हुआ है?
जमीन के अंदर ये सारी चीजें पहले से चल रही हैं, ये सारे मैग्मा पहले से चल रहा है, मतलब चल रहा है मतलब बना हुआ है, बना हुआ मतलब ये जल के बनाया है। क्या प्लास्टिक को डायरेक्टली आप मेल्ट कर सकते हो क्या? नहीं सर, डायरेक्टली मेल्ट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आग लगानी पड़ेगी। तो इसके अंदर क्या लगे? आग। इसकी वजह से किस फॉर्मेट में मिलता है? सेमी लिक्विड फॉर्मेट में मिलता है। कैसा? सेमी लिक्विड फॉर्मेट में, सेमी लिक्विड फॉर्मेट में मिलता है। क्या मिलता है आपको? आपको लावा मिलता है। ये लावा सेमी लिक्विड में कब हुआ है, क्यों कब हुआ है? जब इसके नीचे कुछ ना कुछ आग लग रही होगी। क्या लग रही होगी? आग लग रही होगी। ये स्टोव है, स्टोव के नीचे जैसे आग लग रही होगी तो ये क्या हो रहा है? मेल्ट होता जा रहा है। जब भी कोई चीज़ जलती है, क्या जब भी मैग्मा क्या है? जली हुई चीज़ तो है, जली हुई, जला हुआ ये जो मैग्मा है। ध्यान रखना, कोई भी चीज़ जब जलती है और जलने के बाद में आप जब प्लास्टिक को देखोगे, तो भले काली प्लास्टिक जलाई हो, नीली प्लास्टिक की थैली जलाई हो, हरी प्लास्टिक की थैली जलाई हो, जो भी कलर की प्लास्टिक की थैली होती हैं, पॉलीथीन होती हैं, उनको आप जलाते हो तो एक ही कलर बनता है। और जलने के बाद में किसी भी चीज़ का कलर कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। इसी की वजह से दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में काली मृदा, हल्की काली मृदा पाई जाती है। तो आपकी मृदा की बात हो गई, तो आपका एक फैक्ट यहाँ से और निकल के आता है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में मृदा कैसी पाई जाएगी? तो आपका आंसर आएगा सर, काली मृदा पाई जाएगी। कैसी मृदा पाई जाएगी? काली मृदा पाई जाएगी। कौन से प्रदेश में? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। इसी काली मृदा को जब मैं मृदा के टॉपिक में पढ़ाऊंगा, तो वैज्ञानिक रूप से इस काली मृदा को हम वर्टी सॉइल कहते हैं, या वर्टी सॉइल्स के नाम से जानते हैं। तो चलो भाई, मृदा का भी टॉपिक क्लियर होने लग गया, ठीक है। कौन सी मृदा? वर्टी सॉइल मृदा। और ध्यान देना, जैसे कि हमारा सपोज ये राजस्थान है, यह राजस्थान है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से, और यहाँ पर बीच में क्या है? बीच में आपकी अरावली है। क्या है? अरावली। दक्षिण पश्चिम मानसून से जब हवाएं इस तरह से चल के आती हैं, हवाएं इस तरह से चल के आती हैं, तो सर्वाधिक बारिश कहाँ करती हैं? इस एरिया में करती हैं। और इस एरिया को हमने क्या नाम दिया है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती प्रदेश। तो यहाँ पर एक बात और निकल के आती है कि सर, इस एरिया में, इस क्षेत्र में, इस प्रदेश में, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में जो कि औसत वर्षा है, औसत वर्षा हमें देखने को मिलती है 80 से 150 सेंटीमीटर के मध्य। कहाँ? 80 से 150 सेंटीमीटर के मध्य। और मैं बात करूँ यहाँ की जलवायु की, किसके बारे में बात करें? यहाँ की जलवायु के बारे में बात करें, तो इस प्रदेश की जो जलवायु है, जलवायु का जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तब और क्लियर करवा दूंगा, साथ साथ में यहाँ पर मैं बताता जा रहा हूँ यहाँ की जो जलवायु है, जहाँ पर जल अधिक मिलेगा, क्या मिलेगा? जल अधिक मिलेगा। हम कहते हैं कि एक अति अच्छी नहीं है, मतलब किसी भी चीज़ में अति अच्छी नहीं होती है। सिर्फ पढ़ाई को छोड़ो, पढ़ाई आप दबा के करो, जितना कर सकते हो उतना करो, लेकिन खाने में यदि आपने अति करी, लगा कि भाई आज आपके दोस्त की पार्टी है, सुबह से एकदम खाना खा ही नहीं रखा है हमने, और इसके बाद हम खाना खाने के लिए गए, अरे आज तो पार्टी है, पार्टी में मजे लेंगे, हम क्या करते हैं कि उस टाइम सबने खाना बंद कर दिया एक दिन पहले से, अरे भाई कल पार्टी है, खाना खाना है, तो हम क्या करते हैं? खाना खाना बंद कर देते हैं। अब जाएंगे पार्टी में, एक बात बताओ, पेट से ज़्यादा कोई खा सकता है क्या? पेट से ज़्यादा कोई नहीं खा सकता। अब वहाँ पर आपको भूख थी 4 रोटी की, कितनी रोटी की? 4 रोटी की। लेकिन फिर दिमाग में तुम्हारे क्या आया? अरे यार 4 रोटी तो मैं डेली खाता हूँ, तो कल का मैं भूखा क्यों रहा? तो वहाँ पर आप जबरदस्ती 2 रोटी और खा जाते हो। तो ये क्या हो गई? अति हो गई है। अति हो गई मतलब किसी भी चीज़ की अधिकता हो जाना अति कहलाता है। तो यहाँ पर बरसात अपने राजस्थान में लगभग लगभग 20-30-40-50 तक सेंटीमीटर तक बारिश होती है, एवरेज देखें तो 50 से 60 के समथिंग तक। लेकिन यहाँ पर बारिश कितनी हो रही है? 80 से 150 सेंटीमीटर, 80 से 150 सेंटीमीटर। मतलब समझ में क्या आता है कि सर यहाँ पर वर्षा की अति हो गई है। क्या हो गई है? वर्षा की अति। वर्षा की क्या हो गई है? अति। तो मैं जलवायु की जब बात करूँगा, जलवायु की और वर्षा की अति हुई है, इस वर्षा को हम कहते हैं आर्द्र। आर्द्र मतलब गीला और शुष्क मतलब सूखा। तो अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर जलवायु कौन सी पाई जाती है? तो आपका आंसर रहेगा सर, अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाएगी? अति आर्द्र जलवायु पाई जाएगी। एक फैक्ट और क्लियर हो गया, बात क्लियर है। देखो टॉपिक तो छोटा सा है, लेकिन समझाने के लिए इसमें एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में आप कहोगे कि सर सभी क्षेत्र जो आपने पढ़ाए थे, जैसे कि पश्चिमी रेतीला प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी प्रदेश और दक्षिणी क्या नाम है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में जो आपने बताया था, उसमें आपने दो चीज़ें बताई थी। ये क्षेत्रफल बताया था सबका, क्या बताया था? क्षेत्रफल बताया था, और वहाँ पर निवास करने वाली जनसंख्या के बारे में बताया था आपने, बताया था कि नहीं बताया था? हाँ सर बताया था, मैं कहता हूँ कि हाँ बिल्कुल बताया था। तो क्या चाहते हो आप, इसका भी बता दूँ या आप कमेंट बॉक्स में? चलो एक बार आपको मौका देता हूँ कि कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता दो कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है राजस्थान का, और जनसंख्या यहाँ पर कितनी निवास करती है, फटाफट बताएं कमेंट में।
रेखा यादव, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग है बेटा आप सभी को। वैशाली कुमावत, गुड मॉर्निंग। काफ़ी लेट, जब वो टीचर टाइम से आने लगे तो बेटा आप लोग लेट कैसे होने लगे हो? आपको लेट नहीं होना चाहिए था, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्षेत्रफल बताएं भाई कि क्षेत्रफल कितना है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? हैं, देखो मैं भी देख रहा हूँ आपके साथ साथ में कौन कितना आंसर दे रहा है ना। फटाफट है क्या किसी को कुछ याद? हाँ भाई, एक कमेंट आया है 6.89%। हाँ बिल्कुल, रवि नायक बिल्कुल सही सही बताया है इन्होंने कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 6.89 या 6.83%, जिसे लगभग छठी क्लास एनसीईआरटी में दे रखा है, लगभग 7% माना है। क्या माना है? 7% माना है। और यहाँ पर जो निवास करने वाली जनसंख्या है वो है आपके 11%। कितने प्रतिशत है? 11% जनसंख्या यहाँ पर क्या करती है? निवास करती है। कितने प्रतिशत? 11% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। ये सारी की सारी चर्चा किसके बारे में हम कर रहे हैं? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी, छात्र एवं छात्राएं लेट आए हैं तो उनके बारे में उनको बता दूं एक बार, ये चल रहा है राजस्थान का भौतिक विभाजन का चौथा प्रदेश और अंतिम प्रदेश, जिसका नाम है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्व दिशा में अवस्थित होने की वजह से नाम आ गया दक्षिणी पूर्वी। यहाँ पर पठार की प्रधानता होने की वजह से पठारी, और यहाँ पर एक निश्चित भूभाग में फैला हुआ है, इसकी वजह से इसका नाम होता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इसके बारे में और हम चर्चा करें तो यहाँ का क्षेत्रफल आप लोगों ने खुद ने बता दिया है 6.89%, जो कि लगभग 7% के बराबर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर निवासित करने वाली जो जनसंख्या है वो है आपकी 11%। क्या है? 11%। आप वो चार्ट देख लेंगे परसों वाला तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। यहाँ पर जो जलवायु की भी मैंने चर्चा कर ली, यहाँ पर पानी वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है? तो वर्षा होती है सर 80 से 150 सेंटीमीटर तक। कितनी होती है? 80 से 150 सेंटीमीटर तक की बरसात होती है। तो उसी की वजह से वर्षा की अधिकता, मैंने कहा अति हो जाना, अधिकता मतलब अति, अति किसकी? वर्षा की। और वर्षा को मैंने क्या बोल दिया? आर्द्रता बोल दिया। तो अति आर्द्र जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। और ये जो क्षेत्र का निर्माण है, पठार का निर्माण होता है किसी भी चीज़ के जलने से। किससे जलने से? किसी भी वस्तु के, किसी भी वस्तु, किसी भी आर्टिकल के जलने से यदि कोई वस्तु बनेगी या कोई स्ट्रक्चर बनेगी तो काली होगी। कैसी होगी? काली होगी। तो इस हाड़ौती प्रदेश में या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में जो मृदा पाई जाती है, तो मैंने बताया था काली मृदा पाई जाती है। क्योंकि जलने के बाद में कोई भी कैसा भी, अपन कहते हैं ना आप गोरे हो मैं काला हूँ, मतलब जलने के बाद में तो राखी हो जाना। उसी तरह से कोई सी भी थैली हो, कोई सी पॉलीथीन हो, कोई सी भी वस्तु हो, जलने के बाद में हमेशा वो कैसी होती है? काली होती है। जला हुआ प्रदेश ही है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और जलने की वजह से इस प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा क्या कहलाती है? काली मृदा कहलाती है, जिसे हम वैज्ञानिक रूप से वर्टिसोल मृदा के नाम से जानते हैं। कौन सी मृदा के नाम से जानते हैं? वर्टिसोल मृदा के नाम से जानते हैं। और ये सारी की सारी जानकारी मैंने आपके साथ में साझा की थी अभी तक की। जो भी विद्यार्थी लेट जुड़े हैं उनको, हाँ 6.89 रेखा यादव बिल्कुल सही है, 6.89 और 11% बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि ये लिख दिया। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रदेश के बारे में लिखित। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो आपके लिए काम की बात रहेगी। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। एक बात और ध्यान रखना बच्चों कि यदि आप आपके समय के पंक्चुअल नहीं हैं, मतलब आज आपने समय की कदर नहीं की है, तो समय आपकी कदर कभी नहीं करेगा। जिस तरह से पैसा होता है कि आज आपने पैसों को संभाल लिया है, किसको संभाला है? पैसों को संभाला है, मतलब आपने मिसयूज़ नहीं किया उसका या गलत जगह पर खर्च नहीं किए हैं। तो ये कहते हैं कि यदि आज आपने पैसे को संभाल लिया है तो कल पैसा आपको संभाल लेगा। तो उसी तरह से एजुकेशन है, यदि आप आपके समय के पंक्चुअल नहीं हैं तो बाद में पंक्चुअल होने से कोई सेंस नहीं रह जाएगा। वही वाली बात हो जाएगी कि जब चिड़िया चुग गई खेत, अब इसके बाद में तो कुछ भी कर लो, इसके बाद में कुछ भी कर लो, कोई मतलब वाली बात नहीं। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो टाइम की पंक्चुअलिटी मुझे नहीं लगता कि आप एक विद्यार्थी को पंक्चुअल तो होना ही पड़ेगा, एक विद्यार्थी को तो होना ही पड़ेगा पंक्चुअल। यदि पंक्चुअलिटी नहीं है, मतलब आपके अंदर वो ललक नहीं है, वो आपके अंदर लगन नहीं है कि भाई मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, मुझे आरएस बनना है, मुझे ऐसा ही बनना है। और ध्यान रखना, जब भी आप पढ़ते हो तो आपका टारगेट आपके सामने रखा करो। आपका टारगेट आपके सामने रखने से फ़ायदा ये होगा कि आपको पता रहेगा कि आज मुझे पार्टी नहीं करनी है, मुझे इस वर्दी के लिए काम करना है, मुझे इस वर्दी के लिए पढ़ाई करनी है, आज मुझे इस लाल बत्ती की गाड़ी के लिए पढ़ाई करनी है। ठीक है ना? तो जो भी आपके सपने हैं, उन सपनों को सिर्फ देखना नहीं है, उनके लिए काम भी करना है। और सपनों के लिए काम करने का मतलब एक ही बात है कि सुबह 6 बजे उठना है तो बिल्कुल उठना ही है, 5 बजे उठना है तो बिल्कुल उठना है। नियम बना लो कि भाई मुझे इस टाइम ये काम करने हैं, और मुझे 11 बजे क्लास आती है मेरी विनर्स क्लासेस पर, और वो मुझे
अटेंड करनी है। और रही बस लाइक और शेयर की, इसीलिए नहीं बोलता हूँ आप इतने, मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से, हर बार मैं वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं देखता हूँ कि आपके व्यूज़ कितने अच्छे हैं, कमेंट्स भी आप देते रह रहे हो, तो मुझे कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि चैनल को लाइक और शेयर करें और दोस्तों के साथ में शेयर। और ध्यान रखना, चैनल सब्सक्राइब करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करते हो तो मास्टर का तो कुछ जाना है क्या? मास्टर का कुछ नहीं जाना है। और ये सर, मान लो कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, मैंने आपको, आपने कोई कमेंट में आंसर नहीं दिया, आपको कमेंट में आंसर देने से फ़ायदा क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे कि अभी रेखा यादव ने, रवि नायक ने, दोनों ने एक आंसर दिया है कि 6.89%। अब इनको पता रहेगा एग्जाम में कि हमने आंसर दिया था और सर ने हमारे आंसर को पढ़ा भी था, तो उनके दिमाग में चीज़ परमानेंट हो चुकी है। तो मैक्सिमम आप कोशिश करें कमेंट करते रहें, ठीक है। तो बात कर रहे हैं हम दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की, फटाफट इसका क्विक रिवीजन मैं आपके सामने करवा देता हूं। यहां के एरिया की बात करें तो 6.89% ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 7%। क्या लिख सकते हैं? ब्रैकेट में 7% लिख सकते हैं। ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? 7% लिख सकते हैं। इसके बाद में यदि क्षेत्रफल की बात, निवासित जनसंख्या की बात करूं, ए मतलब एरिया, एल मतलब लाइव, मतलब जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो मैंने बताया था सर 11% जनसंख्या निवास करती है। कितने प्रतिशत? 11% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ की मैंने जलवायु की बात की थी, किसकी? जल और वायु की, हवा पानी के साथ। सर यहाँ बहुत बारिश होती है, बहुत बारिश होती है, बारिश होती है, कितनी बारिश होती है? चलो वर्षा ही पहले देख लेते हैं। वर्षा, औसत वर्षा, कौन सी वर्षा? औसत वर्षा, औसत वर्षा यहाँ पर होती है आपके 80 से 150 सेंटीमीटर। कितना? 150 सेंटीमीटर। सीएम समझ में नहीं आ रहा था ऐसे लिख दो सेंटीमीटर। इसके बाद में जहाँ ज़्यादा बरसात हो रही है, पूरे राजस्थान से एवरेज रेनफॉल ज़्यादा हो रही है, तो ध्यान रखना यहाँ पर वर्षा की वजह से यहाँ पर जो जलवायु पाई जाएगी, वो कैसी? पानी हद से ज़्यादा है मतलब अति है, और पानी है, वर्षा है मतलब आर्द्र है, तो अति आर्द्र जलवायु यहाँ पर कैसी पाई जाएगी? क्या पाई जाएगी? अति आर्द्र जलवायु पाई जाएगी। और जहाँ पर पानी ज़्यादा, वहाँ पर वनस्पति सदा हरी भरी रहेगी। कैसी रहेगी? सदा हरी भरी, तो सदा बहार वनस्पति पाई जाएगी, सदा बहार वनस्पति पाई जाएगी। कैसी वनस्पति पाई जाएगी? सदा बहार वनस्पति पाई जाएगी। और यहाँ पर पठार की अधिकता होने की वजह से यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाएगी? काली मृदा पाई जाएगी। कौन सी मृदा पाई जाएगी? काली मृदा पाई जाएगी, जिसे हम वर्टिसोल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वर्टिसोल्स के नाम से। और यदि मैं इसको डीप में ले जाना चाहूँ तो वर्टिसोल काली मृदा के अंदर प्रमुख रूप से कपास, ये फसलों में वापस पढ़ेंगे हम, कपास, गन्ना, सोयाबीन, ये फसलें हैं सारी, ये फसलें इसके अंदर मुख्य रूप से उत्पादित होती है। और ध्यान रखना यहाँ पर संतरे की भी, इस मिट्टी के अंदर संतरे भी उगाए जाते हैं, इसीलिए संतरा जो मंडी है राजस्थान में, संतरा मंडी वो कहते हैं भवानी मंडी को, किसको कहते हैं? भवानी मंडी। और भवानी मंडी कहाँ पर है? ये आपके झालरापाटन में है, झालरापाटन में, डायरेक्ट लिखते हैं झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ में। अब मुझे एक कमेंट में, कमेंट का आंसर बताएं, मेरे एक क्वेश्चन है कि राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? और एक राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? ये दो चीज़ें मुझे आप बता दो कमेंट बॉक्स में फटाफट से, राजस्थान का नागपुर या राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? कौन आंसर देगा? हाँ राहुल सिंह, एग्ज़ाम टाइम पर होगी या नहीं? सर मंडे है, मंदिर जाना होता है इसलिए लेट हो गए। बेटा ध्यान रखना कि वर्क इज वर्कशिप है ना, मतलब कर्म ही धर्म है ना। तो मैं मना नहीं कर रहा आपको मंदिर जाना होता है, मानता हूँ मंदिर जाना होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? टाइम से एक बार आपको उठना चाहिए, ताकि आप मॉर्निंग के जो टाइम होता है, इसीलिए आपकी क्लास 11 बजे रखी है कि मॉर्निंग के जो सारे वर्क हैं, सारे कार्य हैं, आप निवृत्त हो गया, आराम से लाइव क्लास ले सकें। चाहते तो हम इसको मॉर्निंग में 7-8 बजे की रख सकते थे, लेकिन हमें पता है कि बच्चों को इतना टाइम मिलता नहीं मॉर्निंग में। लेकिन हाँ, पॉसिबिलिटी ये रखें कि अपने काम जो भी हैं आप 7, 8, 9, 10 बजे तक कंप्लीट कर लें। 11 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में ये आपके साथ में इंटरेक्शन होता है, तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ में साझा कर सकता हूँ। लेकिन यदि ये सारी चीज़ें मैंने मिटा दी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोर्ड को क्लियर कर दिया था, अब वो थोड़ी आपको PDF में मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, तो जिस सारी चीज़ें वो आपको PDF में मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें आप लाइव आएँ और लाइव में मेरे जो द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं उनका आंसर दें, और ये वो क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे गए। ऐसे नहीं कि वाह मज़े ले रहे हैं, मास्टर मज़ा ले रहा, मास्टर मज़े नहीं ले रहा, मास्टर क्या मज़े लेगा, है ना। ध्यान रखना ये दो का फटाफट कमेंट कर दो मुझे, राजस्थान का स्कॉटलैंड किस जिले को कहते हैं या, और राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं। फटाफट किसी का आंसर आ रहा है क्या?
माउंट आबू को स्कॉटलैंड, ये कौन कह रहा माउंट आबू को स्कॉटलैंड, माउंट आबू स्कॉटलैंड गलत है बेटा, बिल्कुल गलत है। झालावाड़ 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 ये तो सही है। हाँ राहुल सिंह ये बताएं अलवर क्या किसको कह रहे हो, राजस्थान के नागपुर को कह रहे हो या स्कॉटलैंड को कह रहे हो, फटाफट बताएं। चलो जब तक मैं थोड़ी और चर्चा कर लेता हूँ हाड़ौती प्रदेश के बारे में, कौन से प्रदेश के बारे में, हाड़ौती प्रदेश के बारे में थोड़ी सी और मैं चर्चा कर लेता हूँ। हाड़ौती प्रदेश कंप्लीट हो गया, ध्यान रखना इसको यदि बांटना पड़े, इस हाड़ौती प्रदेश को यदि हमें बांटना पड़े तो हम दो भागों में बांटेंगे, मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक तो दक्कन का पठार, किसका पठार, दक्कन का पठार, और एक बांटते हैं हम हाड़ौती का पठार, किसका पठार, हाड़ौती का पठार। दक्कन के पठार में आप देखोगे तो प्रतापगढ़ झालावाड़ चित्तौड़ वाला एरिया आता है, प्रतापगढ़ झालावाड़ और चित्तौड़ वाला एरिया आता है, और हाड़ौती मुझे बताने की जरूरत है नहीं, कोटा बूंदी और बारा झालावाड़ हाड़ौती के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सामूहिक रूप से मृदा पाई जाएगी, क्या कौन सी मृदा पाई जाएगी, आपकी काली मृदा पाई जाएगी। यहाँ से मेरा एक क्वेश्चन और था आपके पास में कि राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं, ध्यान रखना विश्व में जो स्थान सर्वाधिक, सॉरी भारत में सर्वाधिक संतरे का उत्पादन होता है कहाँ पर, सर नागपुर में होता है। तो मतलब राजस्थान में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर संतरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये मेरा आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले अंक, वापस से बात इसी कर रहे हैं इस क्षेत्र की, किसकी, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, हल्का हल्का मैं राजस्थान बना रहा हूँ ताकि आपके दिमाग थोड़ा सा एक सिस्टम सेट बैठ पाए। राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो ये धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इसको हम कहते हैं विंध्यन कगार क्षेत्र, क्या कहते हैं, विंध्यन कगार क्षेत्र के नाम से, विंध्यन कगार क्षेत्र के नाम से, ठीक है। इस विंध्यन कगार क्षेत्र के अंदर आप चाहो तो एक बार के लिए यहाँ पर चित्तौड़, प्रतापगढ़ और झालावाड़ को भी आप ले सकते हो, ठीक है, विंध्यन का। फिर कोटा बूंदी बारा झालावाड़ को किसके अंदर ले लोगे आप, हाड़ौती के अंदर ले लोगे। यहाँ पर इस एरिया में आपने देखा होगा कि जो धौलपुर है और करौली है और भरतपुर है, यहाँ पर लाल पत्थरों की प्रधानता पाई जाती है, तो लाल बलुआ पत्थर पाए जाते हैं, कैसे पत्थर पाए जाते हैं, लाल बलुआ पत्थर कहाँ पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना धौलपुर और करौली में पाए जाते हैं, और भरतपुर का एक स्थान है बंसी पहाड़पुर जहाँ पे अयोध्या मंदिर में पत्थर ले भी जाया रखते हैं। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि रेड डायमंड सिटी किसे कहते हैं, रेड डायमंड सिटी, रेड डायमंड सिटी के नाम से किसे जानते हैं, फटाफट कमेंट में आंसर दें। पहले दो क्वेश्चन और दे रखे हैं आपको, राहुल सिंह नागौर झालावाड़, नागपुर झालावाड़, बिल्कुल बहुत सही है राहुल सिंह का, और अलवर को स्कॉटलैंड, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन दिए, आंसर दिए दोनों के, लिख देता हूं मैं आपके सामने कि राजस्थान का नागपुर जो है, राजस्थान का नागपुर है वो है आपका झालावाड़, झालावाड़, और राजस्थान का स्कॉटलैंड जिस तरह से पूरे विश्व में शराब का, शराब मतलब समझते हो 30 ml का, 30 ml का उत्पादन कौन करता है विश्व में, स्कॉटलैंड करता है, उसी तरह से राजस्थान में सर्वाधिक शराब का उत्पादन कहाँ होता है, अलवर में होता है, इसीलिए राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, अलवर को। बहुत बढ़िया राहुल सिंह, शानदार तैयारी आपकी, ठीक है, बड़े आगे, ये दो के आंसर आपने दे ही दिए हैं। तीसरा हम देख रहे थे, हाँ ये रेड डायमंड सिटी किसे कहते हैं, अब तो इसका भी आंसर दे ही दोगे, सारे हिंट मैंने दे दिए, या तो होगा करौली, सॉरी धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़, कौन सा होगा, फटाफट आंसर दें, धौलपुर, शिवानी जैन, बहुत बढ़िया, सारे सारे पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पर ऐसा लग रहा मेरे को, ध्यान रखना रेड डायमंड सिटी कहते हैं धौलपुर को, किसे कहते हैं, धौलपुर को कहते हैं, बहुत बढ़िया, तीनों के आंसर बहुत अच्छे आए हैं। अब बात करते हैं हम हाड़ौती के बारे में, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार एग्जाम में ये पूछा गया था, बृहत सीमांत भ्रंश, बृहत सीमांत भ्रंश, भारत की बात नहीं कर रहा, ये राजस्थान में किन किन जिलों के मध्य अवस्थित है, ये पूछा गया था, तो आपका उस वक्त आंसर था, ध्यान रखना बृहत सीमांत भ्रंश क्या होता है, आपकी एरिया अरावली, अरावली और विंध्याचल पहाड़ी के मध्य, अरावली और विंध्याचल पहाड़ी के मध्य ऐसा क्षेत्र जो संक्रांति क्षेत्र के अंतर्गत आता है उसे, या दरार नुमा क्षेत्र, क्या कहते हैं, बृहत सीमांत भ्रंश या दरारी क्षेत्र, कैसा क्षेत्र, दरारी क्षेत्र, दरारी क्षेत्र, उसे हम कहते हैं दरारी क्षेत्र, उसे हम कहते हैं बृहत सीमांत भ्रंश,
ये धरारी क्षेत्र क्या कहलाता है? वृहत सीमांत भ्रंश कहलाता है। क्या कहलाता है? वृहत सीमांत भ्रंश कहलाता है, जो कि राजस्थान में करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, इसके बाद में आप बात कर दूं बूंदी और भी जिलों में फैला हुआ। सामान्य रूप से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वृहत सीमांत भ्रंश राजस्थान के किन किन जिलों के मध्य है, तो आपका आंसर था उस वक्त सवाई माधोपुर और बूंदी। ये ऑप्शंस में ये दिए थे सर, ये दो नहीं थे, ये दो थे सवाई माधोपुर और बूंदी। तो ध्यान रखना, ये राजस्थान का यदि हल्का सा आप मैप बनाओगे दिमाग में, तो देखो ये रहा धौलपुर, ये रहा करौली, ये रहा सवाई माधोपुर, ये रहा बूंदी, सॉरी सवाई माधोपुर बूंदी, ये रहा बूंदी। इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र है, वो क्या कहलाता है? वृहत सीमांत भ्रंश। ग्रेट, इसको इंग्लिश में पूछा जा सकता है, ग्रेट बाउंड्री, फॉल्ट राजस्थान में कहाँ स्थित है, ऐसा पूछ सकता क्वेश्चन कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट राजस्थान के किन जिलों के मध्य में अवस्थित है, तो आपका आंसर आएगा बूंदी और सवाई माधोपुर। ये दोनों ऑप्शंस में नहीं मिलते हैं, अधिकतर बार नहीं मिलते हैं, तो मिलते क्या हैं आपको? बूंदी और सवाई माधोपुर मिलते हैं। ठीक है, क्या चलें? हाँ, आंसर और किसी के? अरावली का भाग है विंध्याचल वाला भाग, बिल्कुल सही है, अरावली विंध्याचल, बिल्कुल सही कमेंट किया, बिल्कुल शिवानी जैन आपने, बहुत सही। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट लिख दिया मैंने, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। बृहत सीमांत भ्रंश कहाँ कहाँ मिलता है? कोटा, सवाई माधोपुर और बूंदी में, हाँ झालावाड़, अलवर, बिल्कुल, बहुत जोरदार शानदार कमेंट आप लोगों के, और अच्छा भी लग रहा है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद है। फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके दिमाग में एक बार ये मैप सारे क्लियर हो जाएं। ठीक है, कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो 6.89% क्षेत्रफल है, जनसंख्या है यहाँ पर 11%, औसत वर्षा है 80 से 150 सेंटीमीटर, जलवायु है अति आद्र जलवायु, वनस्पति कैसी है? सदाबहार वनस्पति पाई जाती है यहाँ पर, काली मृदा पाई जाती है जिसमें कपास, गन्ना और सोयाबीन की खेती मुख्य रूप से की जाती है। मूंगफली और लिख सकते हो आप, मूंगफली। वैसे बेसिकली ये सारी मूंगफली और सोयाबीन की बात ना ही करें तो ज़्यादा बेटर होगा, हमें कपास, गन्ना और संतरे की बात करनी चाहिए। तो संतरा मंडी कहाँ है? भवानी मंडी, झालावाड़ में। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दे सकते हो आप, वैसे मुझे पता है इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो तो इसका और आंसर दे दो कि घंटियों का शहर किसे कहते हैं? घंटियों का शहर किसे कहते हैं? यह फटाफट कमेंट कर दो, घंटियों का शहर किसे कहते हैं? कौन बताएगा आज घंटियों का शहर? फटाफट आंसर दें भाई। ठीक है, ये सारी बातें किसके बारे में हो गई हैं? आपके दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में बात होती हैं। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में जितने भी सारे फैक्ट थे, कोशिश करिए मैंने सारे कवर करवा दिए जाए आपको, और कवर करवाए भी हैं, मृदाएं कंप्लीट करवा दी हैं आपके। यहाँ पर यदि गाय की नस्लों की बात करूँ, भैंस की नस्लों की बात करूँ, तो गाय में आपके मालवी नस्ल की गाय मिल जाएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि जो सारा रिवीजन है वो रिवीजन हम कब करें? जब हमारी पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, एक दिन पूरा मैप ले लेंगे, फिर पता चल जाएगा भाई पश्चिमी रेतीला प्रदेश के अंदर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तापमान क्या है, अरावली का क्या सीन रहेगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्या सीन है और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का क्या सीन है। यदि मैं अभी बताऊंगा तो आप कहोगे सर यार ये तो सुना सुना लग ही नहीं रहा है, फिर कैसा लगेगा? सुना सुना लगेगा। देखो दोनों में फ़र्क है, कैसा लगेगा? सुना सुना। यदि मैं आज सारा वो मैप जो मैं अंतिम क्लास में करवाना चाहता हूँ ज्योग्राफी ख़त्म होने तक, तब आप बोलोगे, तब आप कहोगे कि सर सुना सुना लग रहा है, कैसा लग रहा है? सुना सुना लग रहा है, हाँ बिल्कुल कहीं सुना था। लेकिन जैसे कि आप अभी मैं पढ़ा दूँ तो आप कहोगे सर सब सुना सुना लग रहा है, सुना सुना, समझ में ना, दोनों वर्ड का मीनिंग अलग है, इसलिए मैं चाहता हूँ आपको सुना सुना लगे, ना कि सुना सुना। ठीक है, बात कर लेता हूँ थोड़े से, दो चार एक टर्म्स टर्मिनोलॉजी हैं जो आपके साथ मुझे साझा करनी चाहिए, मुझे लगता है, तो मैं आपके साथ में साझा करता हूँ इन सारी चीज़ों को। एक आता है बीड, क्या आता है? बीड। कौन बताएगा बीड क्या है? या और एक आता है बीहड़, क्या आता है? बीहड़। कौन अंतर बताएगा बीड और बीड, बीहड़ में क्या अंतर है? झालरापाटन, हाँ बिल्कुल सही लिखा है, घंटियों का शहर झालरापाटन, झालावाड़ को कहते हैं, किसे कहते हैं? झालरापाटन को कहते हैं घंटियों का शहर। ध्यान रखना बीड क्या है, बीड तो शेखावाटी क्षेत्र में, मैं बता देता हूँ इस बार, तो शेखावाटी क्षेत्र में जो चारागाह भूमि होती है,
सिकावटी क्षेत्र में चारागाह भूमि क्या कहलाती है? बीड़ कहलाती है। और जब बीहड़ बात करें तो चंबल नदी द्वारा, किसके द्वारा? चंबल नदी द्वारा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में बनाया गया चंबल नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र जो कि धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में आता है, उसे क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। तो और ध्यान में एक क्वेश्चन ये और पूछा गया है कि सर्वाधिक, चंबल नदी के बारे में बात कर रहा हूँ, सर्वाधिक उत्खात भूमि का निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है? तो आंसर रहेगा चंबल। आपसे पूछ ले सर्वाधिक मृदा अपरदन किस नदी के द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर रहेगा चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। ये रहा चंबल, ये रहा आपका चंबल। तो आपको समझ में आ रहा है कि सर्वाधिक उत्खात भूमि को हम क्या कहते हैं? ऊबड़ खाबड़ भूमि का जो निर्माण करती है वो कौन करती है? आपके चंबल नदी करती है। तो ये सारी बातें किसके बारे में हो गई? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में हो गई है। अरावली के बारे में हम पहले कर चुके हैं, पूर्वी प्रदेश कंप्लीट है, पश्चिमी रीतिला प्रदेश कंप्लीट है। इसी के साथ में आपके जो प्रदेश थे, भौतिक प्रदेश राजस्थान के, वो होते हैं समाप्त। कल से हमारा नया टॉपिक होगा और आज के लिए फिर मिलते हैं कल। और आपके आंसर आ गए क्या? हाँ, बीहड़ चंबल नदी का मार्ग, बिल्कुल सही बात है। शेखावटी भी बीड़, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बता रहे हो आप कि बीड़ शेखावटी में है। बीड़ कहाँ पर है? शेखावटी में, चारागाह भूमि। और बीहड़ कहाँ पर है? चंबल में। बहुत बढ़िया है, सही आंसर दिए आप लोगों ने, बिल्कुल सही आंसर दिए। चलो तो सेशन को एंड किया जाए यहाँ पर।